Liaqat Ali Khan artist, Liaqat Ali Khan Art Academy and Gallery, Bahawal Nagar, Pindi Road, Kohat, se aap se mukhatab. का पोर्ट्रेट 8000 मुरब्बा फुट पे 7 महीने की शब रोज मेहनत से तैयार किया और स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट से अबू धाबी से इस्लामाबाद भिजवाया। ये 8 मार्च 2001 की बात है। ये सत्ताज अजीज जो वजीर खारजा थे उस वक्त, उनके कहने पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में मैंने ये ऑर्डर उन्होंने दिया था और मैंने बनाया। अभी 20 साल हो गए। आप ये देखें कि 20 साल में इस कायद के जिसने इतना बड़ा मुल्क बनाया, उसके लिए इनके पास इतनी जगह नहीं है कि 80 फुट जगह उनको दे दें और ये पोर्ट्रेट लगाया जाए। मुझे बहुत ही दुख होता है, मैं हर साल 8 मार्च को एहतजाज करता हूँ, लेकिन ना तो गवर्नमेंट के कानों पे ये आवाज़ जाती है, ना उनकी आंखें हैं कि वो देखें। तो मुझे ये अफसोस होता है। अब वो चूँकि उस पर इतना टाइम गुजर गया है, मैं चाहता हूँ कि अभी ये पोर्ट्रेट मुझे वापस दे दें। ये उनकी अब बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि जो इन्होंने इस पोर्ट्रेट के साथ हशर किया है, कुछ लोग ले गए घर में गाड़ियों के लिए गैराज बनाए हैं और कुछ इसी तरह वो आप जाके किसी को भेजें देखें तो सही है वो किस हालत में पड़ा हुआ है, क्योंकि उनको तो दुख है ही नहीं है। ना इन्होंने कभी कायद आजम की जात पे 100 रुपए अपनी जेब से खर्च किए हैं। इस पे मैंने 40,000 दिरहम खर्च किए थे, 7 महीने की मेहनत से मैंने ये बनाया। तो अब जब 20 साल गुजर गए, पोर्ट्रेट में क्या रह गया, अब मेहरबानी करके मुझे वापस कर दें। मैं चाहता हूं कि मैं अपने स्टूडेंट के साथ मिलके अपने कुहाट शहर के लिए अच्छे खूबसूरत डेकोरेशन बना के कुहाट को खूबसूरत करूं। बस और तो मैं बस ये चाहता हूं कि मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में किस किस की मिन्नत मैंने नहीं की, किस किस को मैंने नहीं कहा, परवेज मुशर्रफ से लेके नवाज शरीफ को देखो, बेनजीर भुट्टो को देखो, सबको मैंने इतनी मिन्नतें की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मैं लगाता हूँ, हर बंदे ने, लेकिन पता लगता है कि बस पाकिस्तान से किसी की क्या मोहब्बत है, कायद आजम से क्या मोहब्बत है, उनकी सिर्फ नोट तक ही मोहब्बत है कि वो नोट वाली तस्वीर से मोहब्बत रखते हैं। तो बस मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं ऐसा काम कर बैठा हूँ। तो अब मुझे वापस कर देना, क्योंकि वापसी के लिए तो अब मैं रोज़ाना तो इस्लामाबाद भी नहीं जा सकता, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं बीमार बंदा हूँ और मेरे इतने वसाइल भी नहीं है कि मैं हर रोज़ जाऊँ और CDA वालों के पास बैठ जाऊँ कि मुझे तफ़ीक दो। वहाँ जाता हूँ तो एक लॉलीपॉप दे देते हैं, कहते हैं कि अच्छा ठीक है, इस हफ्ते आप बस इंतज़ार करें, हम लगाते हैं। 20 साल हो गया। तो मैंने 30 मार्च के लिए बनाया था कि ये परेड ग्राउंड में लगाने के लिए परवेज मुशर्रफ को मैंने कहा कि प्रेसिडेंट साहब आप इसको परेड ग्राउंड में लगाएं, और उन्होंने इस वादे से मुझसे लिया था कि हम इसको परेड ग्राउंड में लगाएंगे। बस वो परेड ग्राउंड से कभी कन्वेंशन सेंटर, कभी कराची, कभी लाहौर, कभी किधर लगाते हैं, वो पोर्ट्रेट ऐसा ही साया हो गया। 23 मार्च पाकिस्तान के साथ हमारी इतनी अकीदत, इतना कि हम अपने खून का आखिरी कतरा तक बहाने के लिए तैयार हैं। हम आज भी जब ये 29 तारीख का वाक्य हुआ तो हमने वैसे भी अपने आप को तैयार किया हुआ था कि हम भी जाते हैं बाहर पे, और हम किसी से पीछे हटने वाले लोग नहीं है,
पठान अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देगा, हम पाकिस्तानी फौज की हिमायत करते हैं और अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए हाजिर। पाकिस्तान जिंदा।